ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी हमने प्रीवियस केस में मनी मार्केट नहीं एक्सप्लोर किया था इस केस में हम मनी मार्केट के भी क्वेश्चंस हैं सो सी सपोज दैट देयर इज एन इंडियन फर्म विच विल नीड $2 lakh इन नेक्स्ट 180 डेज सो इन दिस कनेक्शन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल स्पॉट रेट फॉर 1 USD इज 5 पर USD सो इट विल बिकम ₹5 पर USD एंड 180 डे फॉरवर्ड रेट हमको गिवन है 4 येस इट इज़ लेस देन दैट सपोज इट इज़ 4 एंड इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि हमें पता है अब इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो गए हैं डिपॉजिट रेट इन्वॉल्व हो गया बोरिंग रेट गिवन है तो मतलब हमें मनी मार्केट के अंदर भी देखना है इन इंडिया डिपॉजिट रेट इज़ 5% इन US डिपॉजिट रेट इज़ 6% इन इंडिया बोरिंग रेट इज़ 6% इन US 7 इट इज़ 7% अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इंडियन फर्म को ज़रूरत पड़ेगी $2 lakh की मतलब ये इम्पोर्ट कर रहा है अगर ये इम्पोर्ट कर रहा है तो ये फर्म बोरो करेगी डोमेस्टिक कंट्री से और इन्वेस्ट करेगी फॉरेन कंट्री में तो फिर जो हम बोरोइंग रेट लेंगे वो इंडिया का लेंगे और जो हम इन्वेस्टमेंट वाला रेट लेंगे डिपॉजिट रेट लेंगे वो हम USA का लेंगे फॉरेन कंट्री का अगर ये होता एक्सपोर्टर तो फिर हमारा उल्टा हो जाता बोरोइंग रेट लेते हम फॉरेन कंट्री का और डिपॉजिट रेट लेते डोमेस्टिक कंट्री का फाइन सो नेक्स्ट ये हमें मनी मार्केट की ऑप्शंस गिवन है तो हमें फॉरवर्ड रेट दे दिया मनी मार्केट के डिटेल्स दे दी नेक्स्ट इज़ अ कॉल ऑप्शन ऑफ डॉलर दैट एक्सपायर्स इन 180 डेज एक्सरसाइज प्राइस इज 3 एंड प्रीमियम इज 0.05 दैट इज 5% अब हमें ये कॉल ऑप्शन की भी डिटेल दे दी है नाउ दे आर सेइंग द फोरकास्ट ऑफ द स्पॉट रेट्स 180 डेज हेंस आर गिवन लाइक दिस सो अब ये जो फ्यूचर रेट है वो 2, 5 और 6 हो सकता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% 30% 40% रिस्पेक्टिवली असेस वेदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मनी मार्केट हेज और एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो कॉल ऑप्शन है और नो हेजिंग क्या चीज़ प्रेफरेबल होएगी तो पिछले क्वेश्चन में जहां हमने सिर्फ दो ऑप्शन देखे थे फॉरवर्ड हेजिंग और कॉल ऑप्शन यहां पे हमें तीनों ऑप्शन देखने हैं फॉरवर्ड भी मनी भी और कॉल ऑप्शन भी और इसमें से जो भी ऑप्टिमल होएगा उसे हमें कंपेयर करना है अगर हम हेजिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर लेट अस स्टार्ट सो ये जो $2 lakh हैं अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है वो 4 पे है ₹4 पर USD तो ये हम लोगों को कॉस्ट करेगा ₹8 lakh अब मनी मार्केट में मनी मार्केट इम्पोर्टर है तो मतलब हमें डिपॉजिट करना है USA में इस तरह से डिपॉजिट करना है कि हम लोग ₹2 lakh अर्न कर पाएँ 180 डेज के बाद और वहाँ पे डिपॉजिट रेट चल रहा है USA का 6% देयरफोर हमें USD टर्म्स में अभी वहाँ पे $1,88,679 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रुपीस टर्म में कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो हमारा करंट स्पॉट रेट चल रहा है 5 का उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम इन्वेस्ट तो अभी करेंगे ना सो 1,88,679 इंटू 5 मतलब रुपीस टर्म्स में हमें 9,43,396 रुपीस इन्वेस्टमेंट करनी है ये इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे डोमेस्टिक कंट्री इंडिया से बोरो करके इंडिया में बोरोइंग रेट कितना चल रहा है 6% चल रहा है तो एक्चुअली जब हमें रीपेमेंट करनी पड़ेगी 180 दिन के बाद तो हम रीपेमेंट करेंगे 9,99,999 रुपीज़ की अराउंड 10 लाख रुपीज़ की तो अब जो हमारा फॉरवर्ड हेजिंग के केस में कॉस्ट पड़ रहा था 8 लाख रुपये वो मनी मार्केट हेज में पड़ रहा है अराउंड 10 लाख रुपीज़ तो इन दोनों में से तो हमारा जो ऑप्टिमल है वो फॉरवर्ड हेज हो गया अब एक बार कॉल ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कॉल ऑप्शन में हमें बोला है कि एक्सरसाइज प्राइस ₹3 है और प्रीमियम ₹0.05 है तो टोटल अमाउंट अगर हम इसको अवेल करते हैं तो ₹3.05 हो गया पर USD अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है वो या तो 2 पर USD हो सकता है 5 या 6 हो सकता है यही गिवन है 2, 5, 6 हो सकता है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ 20% 30% 40% प्रोबेबिलिटी के साथ अब जो हमारा प्रीमियम हमने पे किया है वो तो सेम ही पे कर रहे हैं 0.05 सो सेकंड कॉलम इज प्रीमियम यूनिट पेड कॉल ऑप्शन पे अब अमाउंट हम कितना पे करेंगे देखो अगर जो हमारा फर्स्ट केस है इस केस में हमारा स्पॉट रेट अगर 2 है ₹2 पर USD और हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 3 पर USD है तो हमारे लिए तो चीपर यही हो गया ना कि हम ऑप्शन को अवेल ना करें ऑप्शन को एक्सपायर होने दें और स्पॉट केस में हम उसी टाइम 180 दिन के बाद स्पॉट रेट में ही कन्वर्ट कर लें देयरफॉर इस केस में ये जो कॉल ऑप्शन है
इंडियन कंपनी अवेयर नहीं करेगी, और जो टोटल अमाउंट ये पे करेगी पर यूएसडी दैट विल बी 2, जो स्पॉट रेट चल रहा है वो, प्लस 0.05 जो इसने प्रीमियम पहले ही दे दिया था जो इसको लॉस हुआ है. तो इसका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2.05 रुपीस पर यूएसडी. ओके, सेकंड केस में अगर हमारा स्पॉट रेट 5 चल रहा है और हमने जो अगर हमें जो एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज प्राइस पे करना है कॉल ऑप्शन में वो 3 करना है, तो ये तो लेस है स्पॉट से, देयरफॉर हम ऑप्शन को अवेल करेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी अगर हमारा स्पॉट जो है वो 6 हो गया स्पॉट रेट और हमारा एक्सरसाइज प्राइस उससे कम है, स्पॉट रेट से कम है, तो फिर तो भी हम कॉल ऑप्शन को अवेल करेंगे. हेंस वी आर सेइंग दैट टोटल अमाउंट पेड इज़ 3.05, ये 3 रुपये प्लस जो प्रीमियम पे किया है. यहाँ पे भी हम अवेल कर रहे हैं तो 3 रुपये प्लस जो प्रीमियम पे किया है, ये टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं पर यूएसडी की टर्म्स में. अब जब हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे 2 लाख के हिसाब से, सो वी विल गेट 4,10,000, 6,10,000, 6,10,000. कॉल ऑप्शन में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ये हमारा x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है. सो दिस विल कम आउट टू बी 5,09,000 रुपीज़. सो ऑप्टिमल हेज क्या हुआ, ऊपर वाले दोनों में से तो हमारा ये 8 लाख रुपये था सस्ता और ये 5,09,000 बन रहा है, देयरफॉर 5,09,000 वाला ही हमारा ऑप्टिमल हेज हुआ जो हमें सबसे कम कॉस्ट दे रहा है. अब हमें इसको कंपेयर करना है, अगर हम लोग हेजिंग नहीं करते तो क्या होता. अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि हमारे ये 3 रेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2, 5, 6. अगर हम इसको उसी टाइम ट्रेड कर रहे हैं, हमने कोई हेजिंग ऑप्शन अवेल नहीं किया है, तो हम लोगों को 4 लाख पे करना पड़ता विथ 20% प्रोबेबिलिटी, 10 लाख 30% प्रोबेबिलिटी एंड 12 लाख 40% प्रोबेबिलिटी. अगेन इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो 8,60,000 रुपये बनता है अगर हम हेजिंग नहीं करते हैं तो. वेयर एज अगर हम हेजिंग करते हैं तो हमारा जो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी होता है हेजिंग का, वो हमारा निकल के आया था कॉल ऑप्शन वाला जिसमें हमारा 5,09,000 था, और यहाँ पे हमने हेजिंग नहीं की तो 8,60,000 हो रहा है हमारा. मतलब हम लोग अगर हेजिंग नहीं करेंगे तो हम लोग लॉस में रहेंगे, हमें हेजिंग करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ बेटर टू हेज एज वी कैन सेव 3,51,000 रुपीज़. आई होप दिस बिकम्स क्लियर टू यू. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम. आपको बेसिकली या तो तीनों ऑप्शंस दे देंगे चेक करने के लिए, कोई भी 2 ऑप्शन दे देंगे चेक करने के लिए. अगर कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो सिर्फ फॉरवर्ड रेट दे देंगे और नो हेजिंग दे देंगे. सो दिस इज़ द केस, जैसे इंपोर्टर्स का किया है वैसे ही हम एक्सपोर्टर्स का भी कर सकते हैं. सो नाउ आई वॉन्ट यू टू रीड लिमिटेशंस ऑफ हेजिंग एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ हेजिंग फ्रॉम द रीडिंग्स एंड देन वी विल डिस्कस देम ऑल्सो. इफ देर इज एनी डाउट प्लीज़ आस्क गाइस. टेक केयर.